गाइस फन सेकंड हम बात करने वाले हैं लैब्राडोर पपीज के बारे में, जो कि एक ऑल टाइम फेवरेट डॉग ब्रीड है और इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। बिकॉज किसी भी डॉग ब्रीड के पीछे एक रीजन नहीं होता उनके फेमस होने का, बल्कि बहुत सारे रीजन होते हैं। तो उन सभी में से आज हम कुछ चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो वीडियोस में देखा जाता है वो होती है पपीज की क्वालिटी। एंड क्वालिटी वाइज ये पपीज बहुत ही अच्छे हैं एंड एकदम शॉर्ट टेल में हैं। एंड गाइस, पपीज की ब्लड लाइन बहुत ही मैटर करती है और ओनर ने मुझे बताया कि ये पपीज मार्शल ब्लड लाइन से हैं। बट प्लीज आप लोग भी एक बार जरूर कंफर्म करें, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देता हूं जो ओनर्स मुझे प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइस, लैब्राडोर एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो चाहे फर्स्ट टाइम ओनर्स हो या फिर सेकंड टाइम ओनर्स, सभी के लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि लैब्राडोर ना तो अग्रेसिव होते हैं जो किसी के ऊपर अटैक कर दे, बल्कि सभी के साथ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, इवन स्ट्रेंजर्स के साथ भी। एंड गाइस, ये हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है कविता राज, सेकंड है संतोष गुप्ता एंड थर्ड है रविंदर ढिल्लो। तो गाइस, लैब्राडोर में आप लोगों को काफी सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गोल्डन, ब्लैक, चॉकलेट एंड ऑफ वाइट। और हमारे आज के पपीज ऑफ वाइट कलर में है। वैसे लैब्राडोर की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि इन डॉग्स का मेंटेनेंस खर्च दूसरे डॉग्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है एंड इन डॉग्स को आप लोग आसानी से होममेड फूड पे भी रख सकते हैं। एंड सेकंड चीज, ये डॉग्स प्लेफुल होने के साथ साथ बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, जिन्हें आप लोग अलग अलग कामों के लिए बहुत ही आसानी से ट्रेंड कर सकते हैं। इन्हें ट्रेंड करना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक्साइटेड होते हैं किसी भी नई चीज को सीखने के लिए। एंड फ्रेंड्स, पपीज की क्वालिटी के साथ साथ आप लोग इनके फादर की क्वालिटी भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है। और यह है इनकी मैटिंग की पिक। तो आई होप इन दोनों की क्वालिटी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं पपीज की एज, प्राइस एंड लोकेशन के बारे में। तो अगर सबसे पहले इनकी एज के बारे में बात करें तो पपीज 22 डेज के हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग बुक करके रख सकते हैं। और इनकी जो लोकेशन है वो है मेरठ यूपी से। बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को इन पपीज पे डिलीवरी अवेलेबल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ओनर कोई ब्रीडर नहीं है, ये होम ब्रीडिंग के पपीज हैं। तो आप लोगों को डायरेक्ट विजिट करके ही इन्हें परचेज करना होगा। बाकी और कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैंने उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो गाइस, अब बात आती है इन पपीज के प्राइस के बारे में, जो कि काफी जेन्युइन है। तो ओनर ने जो इन पपीज के प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए, एंड फीमेल की है 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपए। बाकी ये प्राइस भी फिक्स नहीं है, पपीज को परचेज करते टाइम प्राइस थोड़ा बहुत और भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो गाइस, ये तक थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड एक और न्यू डॉग ब्रीड के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।